रजनीकांत की जेलर फिल्म के बाद एक और पैन इंडिया फिल्म वेटायन का ट्रेलर आ चुका है। इस फिल्म का ट्रेलर देखने से लग रहा है कि 2020 की फिल्म आ रही है, क्योंकि इस फिल्म का जो कलर ब्रीडिंग है ना कुछ खास नहीं लग रहा है। लेकिन इसका स्टार कास्ट काफी ज्यादा तगड़ा है, जहाँ पे रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, राणा दुगपति, फहद फाजिल और रायन फिल्म में जो एक्ट्रेस थी वही एक्ट्रेस नजर आने वाली है, जो कि फिल्म का स्टार कास्ट और भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसने इससे पहले जय भीम जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं, उसका नाम नहीं पता चल रहा है। इस फिल्म का कहानी नहीं लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है। फिल्म की कहानी ट्रेलर से ही पता चलता है कि रजनीकांत का जो कैरेक्टर वह किसी का नहीं सुनता, वह एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपने मर्जी से जिसका मन उसका इनकाउंटर कर देता है। इनकाउंटर तो कर देता है लेकिन उसके ऊपर भी केस हो जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए अमिताभ बच्चन आता है, जो कि अमिताभ बच्चन उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन रजनीकांत ने एक डायलॉग भी बोला, आप हमको सस्पेंड कर दिया, निकाल दिए, लेकिन मेरे अंदर वह पुलिस वाला नहीं रुकेगा। मतलब उसके अंदर जो एक छिपा हुआ है रजनीकांत का जो अलग स्वैग, वह तो नहीं छुपने वाला। और इस फिल्म का ट्रेलर से रजनीकांत का तो सिर्फ वह स्वैग तो देखने को मिला, लेकिन वह मोमेंट नहीं नजर आया कि जो कि रजनीकांत की हर फिल्म में देखने को मिलता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं लगा। पूरा मूवी लग रहा है कि पुराना है, 2020 की फिल्म को 2024 में रिलीज करने वाला है। लेकिन इस फिल्म का जो विलन होने वाला है राणा दुगपति और फहद फाजिल, जो कि दोनों ही काफी जबरदस्त एक्टर है। फहद फाजिल तो खास करके वह जो विलन के कैरेक्टर में जराते हैं आग लगा देते हैं, और राणा दुगपति की तो आपने बाहुबली 2 में देखा ही होगा विलन के तौर पर कितने तगड़े विलन है। ऊपर से इस फिल्म अमिताभ बच्चन और रजनीकांत एक साथ पहली बार नहीं कई सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन 20-22 साल के बाद ये एक साथ फिर से नजर आने वाले हैं। और ये फिल्म सिनेमाघर में 10 अक्टूबर को पैन इंडिया रिलीज होगी, हिंदी के साथ साथ सभी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है। और वहीं पे 10 अक्टूबर को पहले सूर्या की कंगवा भी आने वाली थी, लेकिन वेटायन के डर से पोस्टपोन कर दिया। तो वेटायन में तो कुछ तो खास होगा, कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका स्टार कास्ट में रजनीकांत है, रजनीकांत के नाम पे मूवी हिट हो जाती है, इसीलिए मूवी तो फ्लॉप नहीं होने वाली है। आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।